been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजी मटेरियल्स। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर के बारे में। तो उन्होंने कुछ बयान दिया है, तो वो बयान क्या है? तो काफी फैंस ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी थी और उन्होंने स्टार लॉर्ड को काफी गालियां दी कि वो इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता है। बट यहाँ पे डायरेक्टर ने उसके लिए कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि फैंस, अगर आप अपनी जगह स्टार लॉर्ड को रखो और आपके साथ अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो उनका कहने का मतलब था कि स्टार लॉर्ड की एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में सारी प्लानिंग थी, ना कि आयरन मैन की, और वो प्लान सक्सेस भी हो गया। वो थैनोस को पकड़ लिया कि मेंटिस कैसे बैठेगी, आयरन मैन उसका ग्लव्स कैसे पकड़ेगा और आयरन मैन उसे कैसे पकड़ेगा, ये सारी चीजें। बट प्रॉब्लम हो गई और कुछ। एक्चुअली में स्टार लॉर्ड पर काफी दुख भरा दर्द है। जी हाँ, पहले पार्ट में उसकी मॉम मारी गई, सेकंड पार्ट में उसके फादर मारे गए और देन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में गमोरा मारी गई, क्योंकि वो लास्ट एक ऐसी पर्सन थी जिससे वो प्यार करता था बेहिंदा, और वो मारी गई थैनोस के जरिए। जी हाँ, तो वो जैसे ही उसे पता चला वो सब कुछ देख नहीं पाया और देन वो काफी दुख हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और इसलिए उनने थैनोस पे हाथ उठा दिया। वो सोच भी नहीं पाएगा इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो फाइनली फैंस अगर अभी भी सोच रहे हैं कि स्टार लॉर्ड की गलती थी, नहीं, डायरेक्टर ने कहा आप उसे अपनी जगह रख के देखिए, फिर कमेंट करिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर आयरन सूट के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।